डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ, हिमाचल प्रदेश जी। तो हिमाचली संस्कृति को प्रमोट करने के लिए आप क्या करते हैं? मैं मतलब मुझे पहले से इन सब चीज़ों का शौक था, मतलब अपना कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पुरानी जो चीज़ें हैं अब उसका रिवाज जो है ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, मतलब नई नई चीज़ों को लोग उपयोग में ला रहे हैं, जैसे जो पुराने जो हाथों से काम किया था अब जो मशीनों से काम किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँ कि जो मनाली में विंटर कार्निवल होता है वहाँ पर बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ों को दिखाया जाता है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी कुछ ऐसा थीम सोची जब मैंने सोचा था बच्चों को, जब मैंने फैशन शो के लिए सोचा था, मतलब कहीं भी मतलब मैं जब एक्टिविटी करवाती हूँ बच्चों को जिसमें हम पुरानी चीज़ों को लेकर कुछ भी एक्टिविटी करवा सकते, जो चीज़ें मतलब खत्म हो रही है उन चीज़ों को दिखाने के लिए, और साथ साथ अपनी बोली को मैं प्रमोट करती हूँ सोशल मीडिया पे, और मतलब बोलती हूँ बच्चों के साथ भी, जो अपने घर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उन लोगों के साथ, और जो पहाड़ी डांस मतलब पुरानी खान पान जो जो भी अपना पुराना कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। देवभूमि हिमकला मंच के बारे में क्या कहना चाहिए? देवभूमि हिमकला मंच के साथ मैं लास्ट अभी करता हूँ, मतलब 1.5 साल हो चुकी है मुझे चुके। तो देवभूमि हिमकला मंच में मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो यहाँ पर मैं मॉडलिंग शो था एक उसके रिगार्डिंग आई थी, तो मुझे इस मंच के बारे में यही अच्छा लगता क्योंकि इसमें जो है इस पेज के मंच के माध्यम से पूरे हिमाचल का जो टैलेंट है, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है पर उनको दिखाने के लिए मंच नहीं मिल पाता, पर देवभूमि हिमकला मंच एक ऐसा मंच है जो सभी बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका देता है। अगर मतलब मेरे अंदर कोई टैलेंट है, अगर मैं कविताएं मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, कहीं ना कहीं तो आपको वो शो करनी है। अगर आपको मंच मिलता है, चाहे आप पहली बार ही जा रहे हैं, अगर आप इसी तरह से एक बार दो बार तीन बार जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैंने मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि अगर मैं बोलूँ अपनी एज में मैंने आज तक कभी भी इतने सालों में मैंने कभी भी मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिखाती हुई जरूर थी पर पार्टिसिपेट कभी नहीं किया था। अभी हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया, मैंने पहली बार किया फिर सेकेंड टाइम भी किया, अब मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है, मैं नेक्स्ट टाइम भी कर सकती हूँ या सिखा भी सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो मंच की वजह से ही हम यहाँ पे हैं, इसके लिए मैं देवभूमि हिमकला मंच और देव सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ।